केरल के साथ गुजरातियों का व्यापारिक संबंध सदियों पुराना है। उनका माल गोदाम 18वीं और 19वीं सदियों में केरल के बंदरगाहों में फिक्स्चर बन गया था और उनकी व्यावसायिक मौजूदगी के कारण ही इस क्षेत्र में गुजराती स्ट्रीट का निर्माण हुआ था। ट्रावनकोर के धर्म राजा के शासनकाल में जब दीवान राजा केशवदास के नेतृत्व में आलपुरा में एक बंदरगाह का निर्माण किया गया था, उसी समय गुजराती व्यापारी इस क्षेत्र में आए थे। असल में दीवान ने खुद उन्हें यहां आकर बसने और अपना व्यवसाय करने के लिए आमंत्रित किया था। गुजरातियों ने एक अलग जगह देने का अनुरोध किया जहां वे दुकानें लगा सके और अपने परिवार के साथ रह सके, ताकि उन्हें स्थानीय लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिलना जुलना न पड़े। दीवान ने उनके साथ एक समझौता किया और आलपुरा में एक इलाके की स्थापना करने का इंतजाम किया। कच्छ, सूरत और मुंबई से शहर में आराम से आने जाने के लिए दो समानांतर नहरों का निर्माण किया गया। सन 1762 में गुजरात से पारसी, जैन, वैष्णव, कच्ची मेमन्स और अन्य समूह आलपुरा के बंदरगाह में आए और अपना व्यवसाय स्थापित किया। उन्होंने जिस जगह में एक समुदाय के रूप में रहने के लिए चुना था, उसे गुजराती स्ट्रीट के नाम से जाना जाने लगा। 175 मीटर लंबी इस स्ट्रीट पर जैनों द्वारा बनाया गया मंदिर सफेद मार्बल से बना एक चमत्कार है। लेकिन आज यह जगह जो पहले कभी एक व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था, वह अब खामोश हो गया है और सुनसान सा लगता है। आलपुरा के गुजरातियों की नई पीढ़ियां हरे भरे चारागाह की खोज में अपने मकानों और हवेलियों को छोड़कर चले गए हैं। वर्तमान में जो लोग यहां रह गए हैं, उन लोगों के लिए और गुजरातियों की भूतपूर्व गरिमा को पुनरुद्धार करने के लिए केरल सरकार प्रयत्न कर रही है।